उनके द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पार्टी के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर मुखिया ही पद को इस चीज़ को और गरिमा में उपस्थिति में इसको और संभाले तो अच्छी बात है उनके पार्टी का, ताकि लोगों में एक अलग विश्वास जगह कि ये सरकार डगमगा रही है, टूट रही है। लेकिन ऐसा कुछ डगमगाने की बात नहीं है, इससे हमारी जो इंडिया गठबंधन है उसको और मजबूती होने का ही काम महागठबंधन बिल्कुल बिल्कुल देखना शुरू कर चुके हैं। लाइव सिटीज मैडम अभिषेक है, आरजेडी विधायक अमर पासवान ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है, क्यों मुलाकात की गई है, क्या मांग है और क्या है? जी, आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मुलाकात की और वहाँ पे हम लोगों ने अपना बात रखी कि मन का जो विकसित करना है हम और पर्यटन स्थल के तौर पे उसको विकसित करना है, उस संबंध में हमने बात की और पूर्ण रूप से वहाँ पे जो भी कार्य रुके हुए थे, चाहे NOC के प्रक्रिया का हो या कोई भी अन्यथा रोड का प्रक्रिया का हो, तो सब चीज़ों के ऊपर बिंदु पे बात किया और उनको मैप के जरिए हम लोगों ने बताने का कार्य किया कि किस तरफ बिहार सरकार की जमीन है और हम लोगों ने अथक प्रयास करके वहाँ पे एक रोड निकालने का काम किया है। और यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि जो हैं तरौरा पंचायत के मुखियापति बनवारी सिंह जी भी मौजूद हैं और हम लोगों ने भेंट मुलाकात की जिलाधिकारी से और तमाम हमारे जो कि मुसहरी पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोग का भी काफ़ी सहयोग मिला इसमें। और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको एक हम लोग मनिका मन को एक विकसित तौर पे पर्यटन स्थल पे तौर पे हम लोग जल्द से जल्द इसको विकसित करें। लगातार इस पर काम चल रहा है? जी बिल्कुल, काम चल रहा है और हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी यादव जी युवा सोच के हैं और हमेशा से हम लोग इस काम में बिलीव किए हैं कि कैसे हम लोग लोगों को और अन्य चीज़ों में पर्यटन स्थल में और जोड़ें, ताकि हम लोग के बिहार में राज्य में भी पर्यटक का स्तर बढ़े, ताकि हम लोग पूर्व से भी हम लोग आप देख सकते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है, तो हम लोग उसको और निखार के हम लोग दूसरे लोगों को इस मुद्दे पे हम लोग दिखाना चाहते हैं। बिहार में सरकार डोल रही है क्या आपकी? बिल्कुल नहीं, कोई डोल नहीं रही है। और रही बात की जो आप संदर्भ में जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना पद ग्रहण किया है और वो इनके निजी पार्टी की संबंधित बातें हैं और एक और उनके द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पार्टी के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर मुखिया ही पद को इस चीज़ को और गरिमा में उपस्थिति में इसको और संभाले तो अच्छी बात है, उनके पार्टी का विषय है। कहा जा रहा है कि NDA में जा सकते हैं तो अपनी सरकार तो नहीं रहेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखिएगा कि एक जब ज़्यादा मजबूती किसी पार्टी को मजबूत करने की स्थिति आती है तो वहाँ पे बात विचार होती है और JDU अपने अंदरूनी जो उनका पार्टी विषय है इस चीज़ को उन्होंने प्लेटफॉर्म पे रखा है और मुझे लगता है कि इससे हमारे जो इंडिया गठबंधन है उसको और मजबूती होने का ही काम। महागठबंधन एक जी बिल्कुल बिल्कुल महागठबंधन एक चलेगी ना? बिल्कुल चलेगी और उससे आगे भी चलेगी। खेला नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई खेला नहीं। क्यों बार बार ये बातें उठती है कि महागठबंधन में टूट हो जाती है, सत्ता परिवर्तन हो जाती है? कई बार हो भी चुका है, पहले 2017 में भी हुआ था। ऐसा ही फैलावा बढ़ाया जाता है कि लोगों कुछ एंटी इरोजन के तौर पे कि इसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों में एक अलग विश्वास जगह कि ये सरकार डगमगा रही है, टूट रही है। लेकिन ऐसा कुछ डगमगाने की बात नहीं है, बिहार के लोग, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और इसका जो परिचय है आपको इंडिया गठबंधन के जो आने वाला समय है वो उसमें। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, RJD के विधायक हैं, जिलाधिकारी से मुलाकात की है, कई मांग भी की गई है। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि महागठबंधन एकजुट है और बिहार में महागठबंधन की सरकार रहेगी, ये बातें कही गई है। वह रही लाइव के साथ